अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क। ओपन योर SST रीडिंग बुक, ओपन योर सोशल स्टडीज रीडिंग बुक एंड द पेज नंबर इज 23, पेज नंबर 23, लेसन नंबर 7, टॉपिक इज अ गुड सिटीजन। योर लेसन नंबर 7 एंड योर टॉपिक इज अ गुड सिटीजन। अ गुड सिटीजन मीन्स एक अच्छा शहरी। हम एक शहर में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, सो हम सब के सब शहरी हैं, इस मुल्क के बशिंदे हैं, इस शहर के बशिंदे हैं, रहने वाले हैं। लेकिन हम एक अच्छे शहरी किस तरह से बन सकते हैं? सो आज हम अ गुड सिटीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि एक अच्छा शहरी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, ये आपके सामने गुड सिटीज़न की क्वालिटीज़ दी गई हैं कि गुड सिटीज़न की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, एक अच्छा शहरी किस तरह से हो सकता है। ओबे रूल्स एंड लॉस, एक अच्छा शहरी जो है वो हमेशा रूल्स और लॉस यानी जो कवानीन बना दिए गए हैं उनको फॉलो करेगा। अ गुड सिटीज़न ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी उसकी क्वालिटी है गुड सिटीज़न की कि वो हमेशा ईमानदार होगा। नंबर 3, पिक अप ट्रैश। पिक अप ट्रैश यानी वो अगर कभी कहीं भी गंद को देखेगा तो वो उसको पिक करेगा और ट्रैश में डाल देगा, यानी कूड़ा करकट वो गंद अपने डस्टबिन में डाल देगा। वो कभी भी अपने शहर को, अपने मुल्क को और अपनी सड़कों को गंदा नहीं करेगा। लिसन्स टू अदर्स, वो हमेशा दूसरों की बात सुनेगा और इस पर अमल करेगा, यानी कभी भी ये नहीं कहेगा कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मैं हमेशा सही बात करता हूँ। वो हमेशा अपने बड़ों की बात, अपने छोटों की बात को सुनेगा और ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा। हेल्प अदर्स, अ गुड सिटीज़न शुड बी हेल्प्स अदर्स। एक अच्छा जो शहरी होता है वो दूसरों की हमेशा मदद करता है जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती है। रिस्पेक्ट अदर्स, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, यानी जब भी वो अपने बड़ों से मिलेगा वो उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उनको इज्जत देगा। नेक्स्ट उसकी क्वालिटी है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन्स कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी होगा। ज़िम्मेदार मीन्स कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइस। नाइस ऑब्वियसली जब वो इतनी क्वालिटीज़ पर अमल करेगा तो वो एक नाइस पर्सन होगा, वो एक अच्छा इंसान होगा। लिसन्स, लिसन्स मीन वो हमेशा दूसरों की बात को सुनेगा। कीप्स ट्राइंग, कीप्स ट्राइंग मीन्स वो हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करेगा और अच्छे काम को करता रहेगा। फ्रेंडली, एक गुड सिटीज़न की क्वालिटी फ्रेंडली है। फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना, वो दूसरे लोगों के साथ हमेशा दोस्ताना माहौल में रहेगा, यानी वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करेगा, अकड़ नहीं दिखाएगा, वो हमेशा अपने लोगों के साथ फ्रेंडली वे में बात करेगा, दोस्ताना माहौल पैदा करेगा और ख़ुद भी दूसरों के लिए फ्रेंडली रहेगा। वर्क्स टुगेदर, अच्छे शहरी की एक क्वालिटी ये भी है कि वो हमेशा आपस में काम मिलकर करेगा, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो हर काम दूसरों के साथ मिलकर मुकम्मल करेगा। टेक्स टर्न्स यानी जहाँ पे उसको ज़रूरत होगी वो दूसरों की हेल्प करेगा और अपना काम छोड़ देगा। तो ये आपके सामने अ गुड सिटीज़न की क्वालिटीज़ बताई गई हैं।
आपका टॉपिक था अ गुड सिटीजन, एक अच्छा शहरी होना। सो आज हमने गुड सिटीजन की क्वालिटीज पढ़ी हैं कि एक अच्छा शहरी होने के लिए हमारे अंदर क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो कल हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। आज सिर्फ आप इसकी क्वालिटीज को देखेंगे और आपका काम ये है कि आपने देखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं, और चेक करना है कि क्या आप एक अच्छे शहरी हैं या नहीं। सो आपने इन सारी क्वालिटीज़ को अच्छे से रीड करना है और चेक करना है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं या नहीं। सो योर लेसन नंबर 7, पेज नंबर 23, एंड योर टॉपिक इज़ अ गुड सिटीज़न। चेक योर गुड सिटीजन्स क्वालिटीज़। दिस इज योर टू डेज वर्क। अल्लाह हाफिज़।